सो हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। ओके, 11th टर्म इज गिवन एज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। देखिए, आप हम इसे स्टेप बाय सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है 31st टर्म, बिल्कुल ये फाइंड करना है मुझे। एंड दिस इज आर सोल्यूशन। ओके, सो 31st टर्म मुझे फाइंड करना है, और 31st टर्म बताइए होता क्या है। ये होता है a प्लस 30 हो जाएगा, a प्लस 30d। ये बताया था मैंने आपको, फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखोगे, a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म के लिए a प्लस 4d, टेंथ टर्म के लिए a प्लस 9d। सो 31st टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 30d। तो ये तो मुझे फाइंड करना, और ये मैं कब फाइंड कर पाऊंगा, जब मुझे a मिलेगा और मुझे d मिलेगा। अब वो मुझे कहाँ से मिलने वाला, मुझे इन दोनों इक्वेशन से मिलने वाला है। कैसे, 38 क्या दिया हुआ है, देखिए 38 इज गिवन एज द 11th टर्म, सो आई कैन से a प्लस 10d, क्योंकि 11th टर्म की बात कर रहा है। सो 11th टर्म कितना है, 38, तो ये ज़रूरी किसकी, ये किसकी इक्वल होगा, a प्लस 10d की इक्वल, एंड आई नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पे 16th टर्म में 73, सो 73 इज गिवन एज द 16th टर्म, इट मीन्स a प्लस 15d हो जाएगा ये, ठीक है। 16 की जगह एक कम कर दो तो 15d हो गया, और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, देखिए अब आप इसे सॉल्व करना ना, आप कहाँ पे सीख चुके हो, आप चैप्टर 3 में इसे सीख चुके हो, विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। आपने वहाँ पे 3 मेथड्स देखे थे, तो यहाँ पे हम इसे किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसके साइन चेंज करूँगा, ठीक है, मैंने साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 38 माइनस 73, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 10d माइनस ऑफ 15। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो जाएगा देखिए आपका 35, और वो भी किस में होगा, माइनस में 35, ठीक है, बिकॉज 38 प्लस 35 करवाइए कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज़ 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा, ये 10 माइनस 15, सो 10 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5, और d साथ में लगेगा यहाँ पे, सो ये तो कैंसिल हो गया, और d की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 7। तो मुझे d मिल गया, अब मुझे सिर्फ a निकालना है। तो आप a निकालने के लिए क्या करो, इसे ना आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो 38 किसके इक्वल था, ये था a प्लस 10, और d की वैल्यू क्या है, 7, सो आई मल्टीप्लाइड विद द 7, तो यहाँ से 70 हो गया ये, और यहाँ पे ये माइनस में आएगा, सो मैं लिख सकता हूँ 38 माइनस 70 किसके इक्वल होगा, a, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 38 तो यहाँ पे 2 एंड 30, सो 32 हो जाएगा ये। सो मेरा इनिशियल टर्म क्या आ गया, 32, लेकिन ये किस में होगा, माइनस में। तो आपको समझ में आया, ये एपी में इनिशियल टर्म क्या होगा, माइनस का 32। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द 31st टर्म, सो 31st टर्म में मैं ए की वैल्यू क्या पुट करूँ, माइनस 32, सो ये रहा माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है, बताइए, डी की वैल्यू है 7, सो यहाँ पे मैंने 7 पुट किया। अब इसे मैं कैलकुलेट करूँगा, सो ए 31 क्या आ जाएगा, माइनस 32, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, 210। अब ए 31 देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 210 में से 32 आपको सब्सट्रैक्ट करवाना, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 210 माइनस 32, सो वी हैव गॉट दिस, 10 माइनस 2 इज 8, एंड देन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 अगेन हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज 1 इसके पास गया था, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, सो 10 माइनस 3 इज 7, और यहाँ से 1, सो 178 मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरी वैल्यू आ गई ए 31। सो 31st टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 178, और वो किस में आएगी, पॉजिटिव में। सो गाइज, ये था सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 7 का, एक्सरसाइज 5.2। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।